कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग में सुंदर सी खूबसूरत सी बारिश हो रही थी, तो सुबह सुबह जब आँख खुली और आपको बारिश मिली तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी किया और मैंने सारे प्लांट उठा के बाहर रख दिए हैं बारिश में, क्योंकि इन्हें भी भीगने का मौका मिले। और उसके बाद मैं रेडी होकर निकल ली हूँ, तो मैं रेलवे स्टेशन आ गई और यहाँ पे मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ। ये जिंदगी है, इसका पहिया कब किधर को घूमता है कुछ नहीं पता चलता है। कब आपके हिस्से खुशी आती है, कब आपको बेचैनी मिलती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शीला, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग को शीला चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज मैं आई हूँ हॉस्पिटल लखनऊ दिखाने, परेशान हो गए बिल्कुल यार। एक बीमारी ठीक नहीं होती, पता नहीं क्या हो गया, दूसरी न्यू तैयार हो जाती है। कई दिनों से मैं इतना वीक महसूस कर रही हूँ, इतना कर रही थी कि 24 घंटे ये लगता है कि मैं आँख बंद करके लेटी रहूँ। और मतलब बहुत फीवर भी बहुत जल्दी जल्दी आ रहा। अभी टेस्ट कराया है तो उसमें निकला है जॉइंटिस निकला है। अभी मैं एक का दिखा रही थी, दूसरा निकला, मतलब तीन तीन बीमारियां एक साथ भी प्रेजेंट। अभी टेस्ट होंगे और पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ ना करूँ। तभी अंदर बैठे थे, बोर हो रहे थे बैठे बैठे, और क्योंकि नंबर आने में भी टाइम है तो मैंने सोचा चलो बाहर चल के आप लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और बस आ गए बाहर बैठे हैं, यहाँ थोड़ा सा ग्राउंड है, पार्क है, खुला है, अच्छा लग रहा है बैठ के, तो आप लोगों से बात करने आ गए। मैं ना लोगों को समझाती थी कि अगर लाइफ कुछ भी डिफिकल्ट पार्ट चल रहा है तो हौसला रखिए, हौसला मत छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। पर जब मतलब खुद परेशान होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। पर वही बातें मैं फिर सोचती हूँ, नहीं वही हौसला मुझे भी रखना है, थोड़ा सा बुरा समय निकल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करने का रीज़न सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहती थी, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, तो आप लोगों से बात करके मुझे बहुत हल्का फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, लगता है जैसे मेरे आधे दुख ऐसे ही कम हो गए, आधी टेंशन मेरी दूर हो जाती थी। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसे दूसरे से बात करना या फिर थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट होना या अपनों को सपोर्ट होना, थोड़ी सी केयर बहुत ज़्यादा असर करता है, दवाओं से भी ज़्यादा अपनों का सपोर्ट असर करता है। तो आप सब अपने हैं मेरे, मैं दिखा चुकी हूँ और दोपहर के एक बज चुके हैं, अब मैंने पानी पिया है और अब निकलूँगी घर के लिए, क्योंकि मुझे कल फिर आना है, कल फिर मुझे टेस्ट करवाने हैं। आज लेट हो गया है, 11 बजे के बाद ही खाली पेट के टेस्ट नहीं करते हैं, तो मुझे कल टेस्ट करवाना है, कल के लिए मुझे फिर आना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं घर के लिए। और हाँ, आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुझे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा मैसेज करते और ऐसे पर्सनली भी पूछते हैं कि आपने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, कैसे किया है प्लीज़ मुझे बताइए। तो मैं बहुत जल्दी अपनी वेट लॉस जर्नी हो लेकर आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, पर अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। बहुत जल्दी डाइट के साथ मैं अपनी वेट लॉस जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फिर मुझे प्रॉपर शेयर करना होगा और अभी मैं प्रॉपर बिल्कुल नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो अभी मेरा दवा वगैरह हो चुका है, मैं अब निकल ली हूँ क्योंकि मुझे कल फिर आना पड़ेगा, आज लेट हो गया है। अगर यहाँ क्या ना 11 बजे के बाद फिर टेस्ट नहीं करते हैं, बोलते अच्छा टेस्ट नहीं करता है, तो मैं कल फिर आऊँगी। और क्या बताऊँ, कुछ बात करने का मतलब दिमाग में आ भी नहीं रहा कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ क्या बताऊँ आप लोगों से, क्योंकि ये सब उतार चढ़ाव तो सबकी ज़िंदगी में लगे रहते हैं और मेरी ज़िंदगी में भी चल रहे हैं। कुछ टेंशन है, कुछ अपनों को लेकर, कुछ बच्चों को लेकर, पर कोई नहीं, बी हैप्पी, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव ही होगा, मुझे पता है अच्छा होगा, जो भी होगा, इतनी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं घर पहुँच चुकी हूँ और आते इतनी ज़्यादा थकान मेरे को लगी थी, इतनी ज़्यादा तबीयत नहीं ठीक, इस समय वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही, तो मैं आते ही सो गई और
अभी जो खाना मैं सुबह बना के रख के गई थी, सब्जी रोटी चावल वगैरह जो भी रख के गए थे बना के, वही मैंने खा लिया है थोड़ा सा, और खा के सो गई हूँ। अभी उठी हूँ तो अब चलिए देखते हैं रात का कुछ बनाते हैं। वैसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ भी करने का, कुछ बनाने का। देखते हैं, बच्चों के लिए रखा होगा तो वही खिला देंगे। मैं थोड़ा बड़ा इधर उधर से कुछ खा के काम चला लूँगी। तो वीडियो करते हैं एंड। आज का वीडियो में कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। क्या करूं, वीडियो बनाने का कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, पर मैंने अपना रियल जो जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।